जय माता दी। एक बार फिर से सभी भक्तों को आज नवरात्र का तीसरा व्रत है चंद्रघंटा। माता का जो तीसरा अवतार है उसकी पूजा की जाती है। चंद्रघंटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके माथे पर आधा चंद्रमा है। जब शिव जी अपनी बारात लेकर पार्वती से शादी करने आए तो शिव जी का जो अवतार था बहुत डरावना था। उसमें सांप बिच्छू भूत प्रेत सब आए थे। तो ऐसा अवतार लेकर पार्वती की माँ बेहोश होकर गिर गई। तो पार्वती की माँ जब बेहोश होकर गिर गई तो पार्वती ने फैसला किया कि अपने अवतार को बदला जाए। तो पार्वती ने एक बहुत खूबसूरत कन्या का अवतार धारण किया और शिव जी को कन्विंस किया कि वो एक हैंडसम एक प्रिंस चार्मिंग की तरह बनकर आए, जिससे पार्वती जी की जो माँ थी उनको भी होश आ गया। चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिसमें से 8 हाथों में से शस्त्र हैं, हथियार हैं, और 2 हाथ लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हैं। सिंह पर सवार, सिंह निशानी है ब्रेवरी की, बहादुरता की, और इनको प्रसाद चढ़ाया जाता है आज पंचामृत का और मिश्री का, और गोल्डन कपड़े पहनाए जाते हैं। हमारा अभी पूजा करके हुआ है और अभी हम प्रसाद बनाने की तैयारी करेंगे, लेकिन उसके सामने उससे पहले ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम भी फास्ट कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो उससे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ब्रेकफास्ट में आज हम स्मूदी फिर से, तो पूरे दिन में मैं एक ही काम करता हूँ, मेरा एक ही काम होता है वह है स्मूदी बनाना। तो स्मूदी आज मैंने बीटरूट की स्मूदी बना दी है। तो इसमें बनाना बीटरूट, और अगर आप चाहो तो थोड़ी सी इलायची डाल सकते हो, जिससे जो बीटरूट का जो रॉ टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। और इसके ऊपर मैं थोड़े से ग्रेन्स ऑफ पोमोग्रेनेट डालूंगा, थोड़े से पोमोग्रेनेट डाल दिए जितने में आपको डालने हैं। तो हमारी स्मूदी इज़ रेडी। तो बस ये मेरे दिन का काम था और जो वो पूरा हो चुका है। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के मेन्यू में मैं सूखी अरबी की सब्जी बनाऊंगी, जिसे हम लौकी के रायते के साथ खाएंगे। और सिंस सैटरडे है तो हमारा सैटरडे ट्रेडिशन होता है हम इडली खाते हैं, तो आज मैं व्रत वाली इडली बनाऊंगी जिसे हम नारियल की चटनी के साथ खाएंगे। और स्वीट के लिए मैंने गजरेला सूखी अरबी की सब्जी तैयार है, इसके साथ इडली का रायता है। तो इडली के लिए चटनी बन चुकी है, तो इडली छुट्टी वाला दिन इतना बिजी रहता है कि जो नॉर्मल वीकडेज होते हैं उसमें इतना काम नहीं होता जितना वीकेंड पे काम होता है। अभी मैं स्पोर्ट्स करवाने के लिए सूफी को लेने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ भी मुझे काम करना पड़ रहा है। देखो यहाँ भी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। तो बस यही थोड़ा सा टाइम होता है जब अपने लिए निकाल सकते हैं गाड़ी में बैठ के एडिटिंग कर ली, क्योंकि अगर घर पे बैठे ना घर पे 2-4 काम निकल आते हैं। तो मैं घर से निकल के घर से थोड़ा सा खिसक कर गाड़ी में बैठ जाता हूँ। यहाँ सुकून से 2 घंटे जो मिलते हैं ना भैया, बहुत मज़ा आता है। बस वही टाइम है अपने लिए, बाकी ज़िंदगी तो झंड है भाई।